जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, एक पेपर लेना है और उससे लाइटेड बल्ब को देखना है, उसको बीच में रख के आपको बल्ब जलाना है और उस बल्ब की तरफ देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या क्या चीज़ नोटिस की, आपको वो लिखना है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या लेना है, 2 से 3 बूंद ऑयल की लेनी है, तेल की, और उसे पेपर पे लगा देना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर। अब आपको दोबारा से उस पेपर में ऑयल लगाया उस पेपर से देखना है बल्ब की तरफ। और अब आपने क्या नोटिस किया, आपको ये बताना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आपको बल्ब पहले से ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है अब पहले से? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ओल्ड पेपर। और क्या आपको पेपर से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है बल्ब? परहैप्स नॉट, नहीं दिखाई दे रहा होगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। उन मटेरियल्स के थ्रू जिससे हम ऑब्जेक्ट्स देख तो सकते हैं पर बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। आपको याद होगा कि जब हम फैट्स का टेस्ट करते हैं फूड से, तो हम एक पेपर पे ऑयल पैच करते हैं, ऑयल निकलता है, तो उससे हम क्या करते हैं, फैट, प्रेजेंस ऑफ फैट्स का पता लगाते हैं। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, उसे भी क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलूसेंट। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। क्या आप कुछ और ट्रांसलूसेंट मटीरियल जिसके हम पार देख तो सकते हैं पर बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? ठीक है, क्या और सोच सकते हैं आप उसके एग्जाम्पल? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो हम मटेरियल्स को किन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जब कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी की, उसमें हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसे? 3 ग्रुप्स में, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहेली क्या सजेस्ट कर रही है कि हम क्या करना है, कि हमें एक टॉर्च लेनी है, ग्लास की टॉर्च होती है जिसमें ग्लास टॉर्च होती है, ठीक है, आगे शीशा या फिर प्लास्टिक होती है, तो उसको आपको डार्क रूम में ले जाना है और उसके ऊपर आपको अपना पाम, अपना हैंड रखना है और आपको स्विच ऑन करनी है लाइट। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट ऑन और ट्रांसलूसेंट। तो अब आपको बताना है कि जो आपका पाम है, हैंड का पाम है, हथेली है आपकी, तो वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर। तो अगर आप टॉर्च रखेंगे, टॉर्च के ऊपर अपनी हथेली रखेंगे एक डार्क रूम में और उसके ऊपर लाइट डालेंगे, तो कैसा आपको रेड रेड दिखाई देता है ना, तो आप देख तो पा रहे हैं ना पर पूरा क्लियर नहीं देख पा रहे, तो ये क्या कैसा होगा आपका? ट्रांसलूसेंट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीरियंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। ठीक है, तो हमने क्या अभी समझा यहाँ पर कि मटेरियल्स जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, अपीयरेंस अलग अलग है, उनका मिक्स होने का तरीका अलग अलग है, सब ऑब्जेक्ट का पानी या फिर लिक्विड में अलग अलग तरीके से वो मिक्स होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसलूसेंट। हो सकता है वो पानी के ऊपर तैरें, हो सकता है वो पानी में डूब जाएँ, और हो सकता है क्या हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, मींस इसके आर पार देख सकते हैं, ओपेक इसके हम आर पार नहीं देख सकते, या ट्रांसलूसेंट देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल्स को किस बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है? सिमिलैरिटीज़, जो जो उनमें एक समानताएँ हैं, और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में अगर डिफरेंस है। वाई डू वी need to group materials in everyday life, we often group materials for our convenience. ठीक है, हमें जो materials है उन्हें group में divide करने की ज़रूरत क्यों है? तो in everyday life, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब everyday life में क्या होता है कि हम materials को भी group करते हैं अपनी convenience के लिए, अपने ताकि हमें आसानी पड़े।
एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर. तो घर पर हम कैसे जो सामान है उनको किस तरीके से रखते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकें, जो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं हम उन्हें एक साथ रख सकते हैं. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली. इससे क्या होता है कि हमें उसके उस सामान को ढूंढने में बहुत आसानी होती है. सिमिलरली अ ग्रॉसर यूजुअली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल्ड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट अदर प्लेस. क्योंकि तो जो शॉप ग्रॉसर होता है, दुकानदार होता है, वो जो एक जैसे बिस्किट मतलब अलग अलग टाइप के बिस्किट्स होते हैं तो बिस्किट्स का अलग कॉर्नर में रखता है, और जो हो गए साबुन हो गए और आपकी ग्रेन पल्सेस, ठीक है, दाल हो गई आपकी और ग्रेन्स हो गई, तो उन्हें अलग अलग जगह पर रखता है. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. ठीक है, इसका एक अनदर और रीज़न है कि हम जो है इन मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. अगर हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने में आसानी होती है. ऑब्जर्व एनी पैटर्न, और हमें उनके प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ पैटर्न देखने को मिलता है. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास, और इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है. थैंक यू.